फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीसी ओले वन में आपका स्वागत है। हमने अब तक टेंस को लेकर 7 वीडियोस कवर की हैं और उन 7 वीडियोस में हमने सीखा है टेंस को बहुत बारीकी से। अब हम उसका यूज अपनी लाइफ में करेंगे, क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज को अपने व्यवहार में नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्राइवेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कहीं पर कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आज से देखो, कोई भी व्यक्ति यदि सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछना एक कला होती है। यदि आप सवाल पूछ सकते हो तो आप बहुत अच्छे हो उस भाषा में। इफ यू कैन क्वेश्चन इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट मींस यू आर वेरी गुड एट दैट लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आज, मतलब धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो 4th-5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो उन सभी के लिए। और आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस है बहुत एडवांस होने वाली हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं अवॉइड कर देते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप वीडियोस देखते रहिए, जो आपको लगेगी आपके आने वाले समय में आपको लगेगी कि हाँ कुछ बेटर है तो आप उसको देखें। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, बेसिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वेल, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट व्हेन इट रेन्स? व्हाट डू यू लाइक टू ईट व्हेन इट रेन्स? तुम क्या पसंद करते हो? व्हाट डू यू लाइक टू ईट, खाना, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। तो इसका जवाब आप देंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन हुआ है, इसका जवाब आप देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे हमने सीखा था, मैं उठता हूँ, आई गेट अप, आई गो टू वर्क, आई कम बैक, है ना, मैं वापस आता हूँ, हमने किया था। अभी हम बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू लाइक टू ईट व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो तुम क्या खाते हो? ठीक है, व्हाट डू यू लर्न व्हेन यू आर फ्री? जब तुम फ्री होते हो तुम क्या सीखते हो? व्हाट डू यू स्टडी व्हेन इट्स ऑफ इन योर स्कूल? तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं इससे। आंसर मैं देता हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूंगा, आई लाइक टू ईट पकौड़ा विद कॉफी व्हेन इट रेन्स, आई लाइक टू टेक बाथ एंड आफ्टर दैट आई लाइक टू ईट यू नो मैगी सूप, आई लाइक टू ईट स्वीट्स, आई लाइक टू ईट you know, some spicy things like Chinese, है ना, इस तरह का खाना मुझे पसंद है। So when it rains, I like to eat pakoda with coffee. It's a common question, common answer. तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो मैं पूछता हूँ आपसे, आप जवाब देना, What do you like to eat when it rains? तुम क्या खाना पसंद करते हो जब बारिश होती है? आशा करता हूँ आपने जवाब दिया होगा, I like to eat pakoda with coffee या कुछ और, है ना, I like to eat spicy things like Chinese food, है ना, I like to eat South Indian, आपने कुछ भी आंसर दिया होगा, I like to eat chowmein burger, है ना, I like to eat fast food when it rains, आपने जवाब दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन के आगे चलते हैं, What do you do for your livings? Livings माने आप जो जीवन जीते हो, है ना, उसमें आपकी सबसे बड़ी नीड जो है वो है रहना और खाना। तो लिविंग्स माने अपने रहने और खाने की जरूरतों को पूरा करना कहते हैं। सभी व्यक्ति उसी के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी वर्कर हो, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या बिजनेसमैन हो। तो व्हाट डू यू, तुम क्या करते हो फॉर योर लिविंग्स, अपने लिविंग्स के लिए? तो आंसर होगा कुछ भी। मैं कहता हूँ, आई गो टू बैंक, आई वर्क एट द बैंक, I am a teacher, I am a doctor, I am an engineer, right? I run my shop, I run my business, I am a businessman. I do sales, I do marketing. कुछ भी कह सकते हो ना? कोई पूछता है, what do you do for your living? Actually, I am a farmer, I do farming. I am a farmer, I do farming. मैं एक फार्मर हूँ और मैं फार्मिंग करता हूँ, सिंपल। I work at the bank.
I'm a banker. I work at the bank. I'm a banker. I do marketing for HDFC, for banks. I do marketing. I am a marketing executive. ऐसे भी जवाब दे सकते हैं. What do you do for a living? Answer. क्या कहा? I'm just a student. अच्छा आप सब student हैं. I am just a student means मैं बस एक विद्यार्थी हूँ. Obviously पढ़ाई करता हूँ और कुछ नहीं करता. Clear? तो इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं. तो एक बार और revise कर लेते हैं. पहला question. What do you like to eat when it rains? I like to eat pakora with coffee when it rains. What do you do for your living? I'm a farmer. And you? Oh, I'm just a student. I do nothing. मैं कुछ नहीं करता. मैं बस एक विद्यार्थी हूँ. इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं. How are you doing? How are you doing this? क्या चल रहा है तुम्हारे? कैसे हालचाल है? ठीक है, तुम आजकल क्या कर रहे हो? इस तरह का क्वेश्चन बैठता है. मतलब क्या हाल है? तो बोल देते हैं बढ़िया. तो इसका आंसर हो सकता है I am doing great. ठीक है, इसका आंसर ऐसे ही देना है हमेशा. I am doing great. How are you doing? क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है. I am doing great. सिंपल क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. What are you planning to do in this vacation? तुम क्या प्लान कर रहे हो? क्या सोचा हुआ है तुमने टू डू करने का इन दीज वेकेशन, इन छुट्टियों में? इन छुट्टियों में तुमने क्या करने का सोचा है? What are you planning to do in these vacations? What are you planning to do in these vacations? तुमने इन छुट्टियों में क्या करने का सोचा है? तो अब सबकी अपने अपनी थिंकिंग है. अभी आप बोल सकते हो due to lockdown, I'm planning to have English classes. I'm planning to cover all my course till half early. I'm planning to learn French. And I'm planning to build my body. I'm planning to construct my house. है ना, अपने घर को बनाने की मैं प्लान कर रहा हूँ. तो कुछ भी आप कह सकते हो यहाँ पर. अब क्वेश्चन है, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इन दीज वेकेशंस? इन छुट्टियों में तुम क्या करने की प्लान कर रहे हो? क्या करने की सोच रहे हो? तो सिंपल है. इफ लॉकडाउन इज नॉट देयर, अगर लॉकडाउन नहीं होगा, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रिप टू मसूरी, टू देहरादून, टू नैनीताल, टू शिमला, एंड आई विल एंजॉय कंप्लीटली. ठीक है, I am planning to go to my relatives, my maternal uncle, यानी मामा के यहाँ जाने की सोच रहा हूँ. I am planning to stay at my home and study. मैं सोच रहा हूँ घर पे रहूँगा, पढ़ूँ. इस तरह से हो गया. अगला क्वेश्चन, What have you decided for your future? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? I've decided that I will become an engineer. मैंने निश्चय किया है मैं एक इंजीनियर बनूंगा. या सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, I have decided to become an engineer. I have decided to become a doctor. I have decided to do my business. I have decided to do a business. I have decided to open a company. I have decided to learn English. I have decided to become a language expert. ठीक है, कुछ भी. आई हैव डिसाइडेड टू डू फार्मिंग, है ना. आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज. आई हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक पुलिस. लाइक इस तरह की चीजें हम बोल सकते हैं. व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर योर फ्यूचर? आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर. आई हैव डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर. आई हैव डिसाइडेड टू डू फार्मिंग. आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. आई हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. लाइक दिस यू कैन सी. So guys, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट ट्रैक में what do you do, what do you like to eat when it rains? I like to eat pakora with coffee, sometimes Chinese and sometimes South Indian also. What do you do for your livings? I work at the bank. Oh, I'm just a student. I'm a farmer. Nothing else.
How are you doing? I'm doing great. You say, what are you planning to do in these vacations? I'm planning to go for a trip like Shimla, Nainital, Mussoorie, and some other places. What have you decided for your future? I have decided to go for civil exam, go for civil. I have decided to go for civil services. I have decided to prepare for government examinations. I have decided to do farming. I have decided to go for bank job. I have decided to do a business. I have decided to become a doctor. I have decided to become an engineer. इस तरह से हम लोग जवाब दे सकते हैं इन क्वेश्चंस का, ठीक है? अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन भी बोलना है, आंसर भी देना। आप दो लोग अगर ग्रुप में हैं, आप दो लोग अगर फ्रेंड हैं, आपके घर में ब्रदर सिस्टर हैं, तो आप उनका सपोर्ट लीजिए, उनको बोलिए कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन पूछ और उसका जवाब दो, भाई ये पूछ इसका 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 जवाब दो। यहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा है, आंसर इसलिए नहीं लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा चुका हूँ, तो हो सकता है आप इससे भी बेटर आंसर दे जो मैंने दिया है। मैंने आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग देने शुरू किए हैं, उनको लर्न कीजिए, वहां से वर्ड मीनिंग उठा सकते हो, वहां से कर सकते हो, ठीक है? और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लोग, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे अपना, उस पर जाके मुझे व्हाट्सएप कर, एक बच्चे का व्हाट्सएप आया था, उसको वर्ड मीनिंग मिल गए, ठीक है? वो कमेंट कर देना मेरी इस वीडियो पे, यदि उसको वर्ड मीनिंग मिले और उसको अच्छा लगा और उसको और वर्ड मीनिंग चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना। मेरा नंबर है 8979477303। पर्सनली भी क्लासेस देता हूँ मैं, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो उसकी वजह से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी इफ यू पीपल आर यू नो फील लाइक कि भाई मेरा जीरो से मेरे को सीखना है, तो जीरो से सीखना है तो अभी आप सीख सकते हो, क्योंकि ये वीडियोस तो रहेंगी हमेशा जो मैं डाल रहा हूँ, कभी भी कोई भी देख सकता है, सीख सकता है, ठीक है? अभी हम आगे और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? देखते हैं। सो वी हैव सम मोर क्वेश्चन फॉर यू। अभी देखिए क्वेश्चन है, हाउ हैव यू लर्न्ड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कैसे सीखी है, तुमने इंग्लिश कैसे सीखी है, हाउ हैव यू लर्न्ड इंग्लिश। सबका अपना तरीका है, जैसे आप ऐसे कोई कह सकता है आई हैव लर्न्ड इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब, देयर इज अ पर्सन गिरीश भारद्वाज हु हैज टॉट मी इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ऐसे बोल सकते हैं। आप कह सकते हो मैंने इंग्लिश यूट्यूब से सीखी है, आई हैव लर्न्ड इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब। वहां पर एक बंदा है जिसका नाम है गिरीश भारद्वाज, देयर इज अ पर्सन हूज नेम इज गिरीश भारद्वाज एंड ही टॉट मी इंग्लिश, उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। आई एम सो हैप्पी। यू मे गो, यू मे विजिट द चैनल, द चैनल नेम इज जीसी ऑल इन वन, प्रचार भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है। क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस कोर्स, तुम कब से ये कोर्स कर रहे हो? कोई कोर्स आप कर रहे हो, किसी तरह का हो सकता है, कंप्यूटर कोर्स, स्पीकिंग कोर्स, लैंग्वेज कोर्स, है ना, कोई और कोर्स कर सकते हो, एविएशन कोर्स, है ना, हॉस्पिटैलिटी कोर्स, एचएमएल कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है वो, है ना, और प्रोग्रामिंग का कोर्स, मार्केटिंग का कोर्स, भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो पूछा प्रॉब्लम, कब से हैव यू बीन डूइंग दिस कोर्स, तुम ये कोर्स कब से कर रहे हो, कहीं मिल गया तुम्हें कोई, तुम कोचिंग से निकले, निकलते ही पूछा भाई तू ये कोर्स कर रहे थे ना, कब से कर रहा भाई कोर्स। आप ही पूछना चाहते हो किसी से तो कैसे पूछो, कैसे पूछो, और आपसे किसी ने पूछा तो जवाब कैसे दोगे? आइए देखते हैं, सिंपल, आई हैव बीन डूइंग दिस कोर्स, बताया था ना, जब कोई काम समय के साथ चल रहा हो, आप दो महीने से कर रहे हो, इट्स बीन हैविंग, आई हैव बीन डूइंग दिस कोर्स फॉर 2 months एंड आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। मैं कोर्स 2 महीने से कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हो सकता है आप ऐसे बहुत लोगों को मेरी वीडियो मतलब ऐसे लगे कि बहुत कम सीखने में आए, तो ध्यान रखना जो चीज़ मुश्किल होती है वही कुछ आपको देगी, ध्यान रखना, आसान चीज़ों से आदमी आगे नहीं बढ़ता, ठीक है ना भाई? चलिए एक बार, फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस कोर्स, तुम कब से कोर्स कर रहे हो? आई हैव बीन डूइंग दिस कोर्स फॉर 2 months एंड आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क, हाउ लॉन्ग माने कितनी देर, तो तुम बैठे हुए होमवर्क कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड आता है, अभी कितनी देर से होमवर्क कर रहा है बता दे, भाई होमवर्क कर रहा हूँ कभी, अरे कितनी देर से कर रहा है, मैच खेलने चल रहा है भाई, आज हमारा क्रिकेट मैच है, अरे भाई मैं कर रहा हूँ, कितनी देर से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा हूँ, अब तक नहीं हुआ है,
चल आगे बढ़ लेना, इस तरह की बातें होती हैं सब हम करेंगे इंग्लिश में करेंगे। तो how long have you been doing this job, this doing your homework? तो आपने जवाब दिया I have been doing my homework for two hours. Yeah, for my work only is happening. I have been doing this for 2 hours. मैं 2 घंटे से ये कर रहा हूँ। Yeah, I have been doing my homework for 2 hours. मैं 2 घंटे से अपना homework कर रहा हूँ। इस तरह जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ homework की जगह आप कुछ और भी पूछ सकते हो, है ना? सीधा पूछ सकते हो, How long have you been sitting here? How long have you been sitting here? यहाँ पे sitting आ जाएगा तो तुम यहाँ कितनी देर से बैठे हो? How long have you been waiting for me? तुम मेरे कब से इंतजार कर रहे हो? यानी कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? तो जवाब जवाब देगा आपको, क्योंकि आप जानना चाहते हो कितने टाइम हो गया, तभी आपने हाउ लॉन्ग बोला, तो वो जवाब देगा फॉर 2 hours, फॉर 3 hours. शॉर्ट आंसर भी दे सकता है फॉर 5 hours, फॉर 2 minutes, फॉर 10 minutes. पूरा आंसर भी दे सकता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 minutes, वेयर वर यू? मैं तुम्हारा इंतजार 10 मिनट से कर रहा हूँ, तुम कहाँ थे? चलिए, वेयर हैव यू गॉट दिस शर्ट फ्रॉम? या ऐसे भी हो सकते हैं, From where have you got this shirt? तुम्हें ये शर्ट कहाँ से मिली, यानी तुमने कहाँ से खरीदी, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है? कोई उठा ले लाया है ना, कोई उठा के नहीं लाया, इसको हमने खरीदा है, तो पूछ लिया where have you got this shirt from? शर्ट की जगह कुछ और क्या हो सकता है, पेन, कॉपी, नोटबुक, बुक, है ना, कोई भी एसेट आ सकती, कोई भी एसेट, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, एनीथिंग, एनीथिंग कैन। वेयर हैव यू गॉट दिस शर्ट फ्रॉम? तुमने ये शर्ट कहां से ली? ओह, आई गॉट इट फ्रॉम एसडी मार्केट, आई गॉट इट फ्रॉम ग्रैंड प्लाजा। एक्चुअली हमारे शहर में एक मॉल है, वहां से ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं, जहां से भी होगी बता देगा। आई हैव गॉट दिस शर्ट फ्रॉम ग्रैंड प्लाजा, शॉपिंग मॉल या बिग बाजार, कुछ भी बोल सकता है ना, ठीक है बेटा। चलिए, वेयर आर यू फ्रॉम? तुम कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम कोलकाता, कुछ भी कह सकते हो जहां से आप हो। तो ये हमने क्वेश्चन किए, इनको एक बार रिविजन करते हैं और इसमें और देखते हैं हम क्या क्या बोल सकते हैं। हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश? तुमने इंग्लिश कैसे सीखी? आई हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑन यूट्यूब। I have learned English from British Council. I have learned English from American Institution. I have learned English from Harvard Institution. I have learned English from Shri Balaji Educational Institute. I have learned English from Universal Institute. I have learned English from, you know, from Delhi. Sirf city ka naam bhi lete hain kai baar. I have learned English myself. Maine khud seekhi hai. किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बुक, कोई यूट्यूब, कोई कुछ नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मैंने खुद सीखी है। तो मैं जवाब दूंगा आई हैव लर्नड इंग्लिश मायसेल्फ, मैंने खुद इंग्लिश सीखी, कहीं से नहीं सीखी। फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस कोर्स? ये कोर्स तुम कब से कर रहे हो? कुछ भी जवाब हो सकता है। आई हैव बीन डूइंग दिस कोर्स फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। आई हैव बीन डूइंग दिस कोर्स सिंस 2018। आई हैव बीन डूइंग दिस कोर्स सिंस लास्ट, सिंस लास्ट मंथ, कुछ भी बोल सकते हैं, पिछले महीने से करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क? तुम कितनी देर से अपना होमवर्क कर रहे हो? आई हैव बीन डूइंग माय होमवर्क, आई हैव बीन डूइंग माय होमवर्क फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। व्हाई हैव यू गॉट दिस शर्ट फ्रॉम? वेयर हैव यू गॉट दिस शर्ट फ्रॉम? आई हैव गॉट दिस फ्रॉम shopping mall. I have got this from SD Market. I have got this from, you know, from my locality. There is a shop. There is a shop. अपने मोहल्ले से ली है, वही एक दुकान है. There is a shop in my locality. I have got this shirt from there. मैंने वहां से ये शर्ट ली है. Where are you from? Of course, I am from Muzaffarnagar. You don't know about me? My name is Girish Bhardwaj. So guys, I hope you enjoyed this video. And ये 10 क्वेश्चन आप पूछ के देखिए, इनका आंसर करके देखिए, आपको बड़ा बड़ा मजा आएगा, आप मतलब बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, और यहाँ से आपको बूस्टअप होगा। जिन बच्चों को टेंसेस क्लियर नहीं है, पिछले 7 पार्ट है टेंस के, वो देख लें,
इसके बाद एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, वो बहुत मजा आने वाला है, वहां पर दोबारा सीखेंगे, मतलब ऐसा कर देंगे आप सीख के रहोगे, यू मतलब यू पीपल यू नो विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, देयर इज नो डाउट फॉर श्योर यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, और मैं बुलवा के रहूंगा आपसे इंग्लिश, आपको सिखा के रहूंगा टेंस, और टेंस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा वॉइस, वॉइस ले या मॉडल, पहले मॉडल्स ले लेते हैं, पहले मॉडल्स लेंगे फिर वॉइस, ठीक है, तो मॉडल्स के बाद वॉइस लेंगे, मॉडल्स में हम बेसिक वर्क करेंगे, कैन कुड मे माइट मस्ट शुड नीड टू ऑट टू हैज टू हैव टू स्टैंड टू आर टू राइट डेयर टू, ये सब सीखेंगे मॉडल्स के अंदर, कहाँ कैन का यूज होता है, कितने तरह से कैन का यूज होता है, बड़ा मजा आएगा आपको, उसके बाद हम आएंगे वॉइस पे, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं यदि आपने मेरा साथ दिया और मेरे साथ पढ़े तो आप 180 आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल बेस लेके चल रहा हूँ, और कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश आती है, कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश वही बच्चा बोल पाता है जिसके वोकैब पक्के हो, आप नहीं जानते, हम आगे आने वाले समय में वोकैब क्लासेस चलाएंगे, मेरी वीडियो है उसमें मैंने 5 वर्ड भी याद कराए हैं, यूं याद होंगे बच्चों के, यूं तो ऐसे ही याद कराते जाएंगे, आपके हजारों वर्ड भी नहीं याद होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आपको याद होगा। तो गाइस कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, कीप ऑन सपोर्टिंग मी, प्लीज अगर आपको लगता है कि ये किसी काम की चीज है तो आप इसको शेयर भी कर दिया करो, एक दो बंदों को शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पसंद नहीं है वीडियो तो डिसलाइक कर दिया करो, पर एटलीस्ट कर दिया करो, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बोलिए भाई बोलिए, हार मत मानिए, बोलिए, और हम बोल कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।